अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। उमरा हो गया और मक्का मुकरमा में एक पाकिस्तानी भाई मिले हैं और कह रहे हैं जी बड़े अरसे से आपके फ़ैन हैं, एक गिला है आपसे। मैंने कहा जी क्या गिला है मुझसे आपका? तो उमर भाई कह रहे हैं कि जी गिला ये है कि आप माँ जी के साथ पहले इतना अच्छा कंटेंट बनाते थे, तो अब आप कंटेंट नहीं बनाते। तो वजूहत तो मैंने इनको बताई कि क्यों नहीं बनाते, लेकिन इनसे पूछते हैं कि आखिर इनको माँ जी के कंटेंट में पसंद क्या था, आप ज़रा सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प बात है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई से मैं कह रहा था कि हम माँ जी का जो वीडियो थे वो सुनते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी माँओं से प्यार तो था, तो आपकी वीडियो सुन के माँ जी के साथ आपका मोहब्बत देख के तो हमें और ताबेदारी और मोहब्बत बढ़ी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लाजमी अम्मा जी की जो वीडियो हैं वो लाजमी बनाया करें, क्योंकि वो अम्मा जी की वीडियो देख के मैं कमेंट में देखता रहता था कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते थे और बहुत इंस्पायर होते थे। तो उनमें से एक मैं भी हूँ, मैं आसिफ भाई से मिला हूँ, आसिफ भाई की बहुत मेहरबानी तो मुझे टाइम दिया इन्होंने। और अम्मा जी की वीडियो देख के तो आप यकीन करें यहाँ प्रदेश में इस तरह होता था कि अपनी अम्मा को देख रहे हैं और अपनी अम्मा के साथ बात कर रहे हैं। चलें जी, आज इन्होंने ये बात छेड़ दी है तो आपको खुशखबरी सुनाते हैं। जैसे ही मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा हम एक नया चैनल बनाएंगे और मेरे बेटे के नाम से बनाएंगे और उसमें अब माँ जी की वीडियोस डाला करेंगे। मैं अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाल सकता, उसकी रीज़न ये है, मैंने आपसे भी बताया, मैं इधर भी अहबाब को बता देता हूँ, हमने इख्तलाफी बात भी करनी होती है, हमने पॉलिटिक्स पे भी वीडियो बनानी है, हमने कोई भी मौजू है उसको कवर करना है, स्टोरीज करनी है, लोग हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं जी, कॉमेंट्स में गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, कभी ज़ातियात पर आ जाते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में क्या इन्वायरमेंट है। मैं नहीं चाहता है कि मेरी वालदा के साथ कंटेंट बनाऊं, जिसकी नियत मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, वो तशहीर के लिए नहीं था। बस सलाम पाकिस्तान जिंदाबाद, सलाम अलैकुम। तो उसका मकसद तशहीर नहीं था, उसका मकसद था लोगों में ये अवेयरनेस डालना कि माँ से ऐसे भी प्यार किया जा सकता है। तो वो इंशाल्लाह ताला हम नए चैनल पे शुरू करेंगे, उस पर एक्सक्लूसिव सिर्फ माँ जी का, मेरे बेटे को भी इंशाल्लाह आपको मिलवाते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है मोहम्मद अजलान को, तो पाकिस्तान आ जाऊँ तो ये काम आप लोगों से वादा रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक और बात कहना चाहता हूँ, इनके जो अब्बू हैं माशाल्लाह उनकी मैंने 2-3 वीडियो देखी थी, आप यकीन जाने कि वो मैं इनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी रात को कि अब्बू के साथ भी अब लाजमी कुछ वीडियो डाला करें, कि इनके माशाल्लाह जो अब्बू हैं ना, आप पहले भी आपने देखा होगा और इंशाल्लाह ये अपने अब्बू के साथ भी वीडियो डालेंगे, तो आप यकीन करें कि आपको देख के अपने वालिदैन के साथ और मोहब्बत बढ़ेगी इंशाल्लाह। वो भी सबक हासिल होगा इंशाल्लाह, वो भी मैं पूरी कहानी दास्तान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप बस अपना ख्याल रखा करें। चलो वापस आते हैं तो करते हैं, उमर भाई का ना एक यूट्यूब चैनल भी है, वो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, मुझे याद आ गया। ये ज़ियारात दिखाते हैं, जो सऊदी अरेबिया में ज़ियारात है ना, अच्छे अच्छे मुकाम है, वो आपको दिखाते हैं। चैनल का नाम क्या है जी? उमर फ़ारूक व्लॉग नाम है। तो इंशाल्लाह मैंने शुरुआत की है, अल्लाह ने चाहा कि इसमें मक्का मदीना ताइफ की ज़ियारतें इंशाल्लाह आपको दिखाया करेंगे और अपनी भी कुछ वीडियो व्लॉग वगैरह जिस सऊदी अरब में जो मतम वगैरह हैं इनके वीडियो इंशाल्लाह बनाए करेंगे। चलें, तो आपने इनको भी ज़रा सर्च करके सब्सक्राइब कर देना, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मज़ीद पाकिस्तान आके बहुत सारी वीडियोज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर।